तो दोस्तों आज मैं आप लोग को इस वीडियो में आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई लाभार्थी का जो वेबसाइट है और यहाँ पे हम इसका जो है कि ई केवाईसी करने के लिए यहाँ पे जो है कि हम बेनिफिशियरी आईडी डाल के चेक कर रहे हैं, अकाउंट नंबर डाल के चेक कर रहे हैं, आधार नंबर डाल के तीनों करके चेक कर रहे हैं और फिर भी यहाँ पे जो है कि डेमोग्राफिक डाटा ऑथेंटिकेशन फेल लिख रहा है। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे एक बार और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो चलिए ये भी हम इस पर करेंगे तो बस कुछ सेकेंड ये प्रोसेस लेता है। प्रोसेस लेने के बाद बस यही ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं डेमोग्राफी डाटा ऑथेंटिकेशन फेल। आखिर ये प्रॉब्लम होता क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार नंबर वगैरह सब कुछ हम डाले हुए हैं, सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक होता है। क्या माइनर मिस्टेक होता है, चलिए मैं वही आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो है कि हम यहाँ से जो है कि ई लाभार्थी का वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और आधार नंबर, अकाउंट नंबर या बेनिफिशियरी आईडी जिससे चाहे उससे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए हम जो है कि आधार कार्ड जो है कि यहाँ पे डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम डाल के यहाँ पे सर्च करेंगे तो फिर से इसका इंटरफेस जो है कि आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे सबका जो ओपन करते हैं जिस तरह से केवाईसी करते हैं उस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम यहाँ से बस करते हैं। यहाँ पे जो है कि आप देखते हैं वार्ड नंबर लिखा हुआ है, तो वार्ड नंबर यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो वार्ड नंबर होगा। और इसके अलावा अब इसमें जो भी देखेंगे सब कुछ सही है, बिल्कुल राइट है, जन्म तिथि वगैरह इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से फिर हम देखते हैं, देखिए यहाँ से हम जो भी करेंगे डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेमोग्राफी डाटा ऑथेंटिकेशन फेल लिख दे रही है। तो हमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखा लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो वहाँ पे क्या करते हैं उनको समझ में नहीं आता है और अपना जो है कि भी बढ़ाने के लिए जो है कि वो गलत वहाँ पे जो है कि बताते हैं और वहाँ पे कुछ बकवास करके वो चले जाते हैं और उनका उससे व्यू बढ़ जाता है लेकिन आप लोग का जो कि सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। लेकिन हम 100% सोल्यूशन आपको देने वाले हैं, कृपया इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनर मिस्टेक बस एक ही होता है, आप इसमें सब कुछ चेक कर लेते हैं थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे जो भी डालेंगे सब कुछ बायोडाटा 100% बिल्कुल राइट है, यहाँ पे वार्ड नंबर भी हम डालें बिल्कुल राइट है। लेकिन हम इसमें दो दिनों से परेशान हैं, माइनर मिस्टेक क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जेंडर जो लिखा हुआ है इस जेंडर में क्या है कि ये ऑटोमेटिक जो है कि मेल ही यहाँ पे सिलेक्ट रहता है। अगर आप जेंट्स का करते हैं तो 100% वो हो जाता है और लेडीज का आप करते हैं तो लेडीज में जो है कि ये प्रॉब्लम अधिकांश आपको देखने को मिला, क्योंकि यहाँ से जो है कि आप जेंडर को चेंज नहीं करते हैं। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कीजिए, चेक कीजिए, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मेल है तो हम यहाँ पे ये जो है कि फीमेल का कर रहे हैं केवाईसी तो हम फीमेल सिलेक्ट कर देते हैं और फीमेल सिलेक्ट कर दिए। फीमेल सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन पे हम क्लिक करते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है या फिर हमारा सोल्यूशन हो गया, आप खुद इसको लाइव देख सकते हैं। तो चलिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है कि अब इस तरह से ये ऑप्शन आ गया, किरण खातून वगैरह लिखा हुआ सब कुछ, इसका नाम वगैरह सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेशन नेम में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वेरीफाई वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो है कि एक्सपायरी डेट वगैरह दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको करना है गो फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे आप अब देखिए हमको जो है कि केवाईसी करने के लिए 100% ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवाईसी करने के लिए अब 100% ऑप्शन आ गया बस। तो अब चलिए इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे टिक बॉक्स होता है जिस तरह से आप लोग केवाईसी करते हैं बस उसी तरह से आपको जो है कि केवाईसी करना है। बस यहाँ पे देखिए अब जो है कि केवाईसी करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मैं जो मंत्रा कनेक्ट नहीं किया था, मंत्रा जो कि हम अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिए, अब जो है कि 100% यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि हमारा जो है कि यहाँ पे ई केवाईसी करने के लिए यहाँ पे 100% यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे मंत्रा हमारा कनेक्ट भी हो चुका, सब कुछ आ गया। अब बस हम जो है कि यहाँ पे कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा करेंगे और कस्टमर का फिंगर लगा के 100% केवाईसी हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपके साथ जो ऑथेंटिकेशन
प्रॉब्लम आ रहा है, फेल लिख रहा है, उस तरह से उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन कर सकते हो 100%। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको दूसरा यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है कि प्रॉब्लम को सोल्यूशन 100% कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट हुआ होगा, अगर आपको मेरा वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला होगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को आज यहीं पे एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।